नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। मैं आज आप लोगों को कूलिंग टावर के बारे में बताऊंगा। ये आप लोग देख रहे होंगे, एक कूलिंग टावर है। ये जो रिसर्कुलेशन वाटर जो रहता है उसको ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है कंपनी वगैरह में। तो हर एक कंपनी में कूलिंग टावर आपको मिलेगा ही। तो कूलिंग टावर का प्रोसेस है, जो नीचे स्प्रे हो रहा, आपको आवाज़ आ रहा होगा, वाटर स्प्रे हो रहा नीचे, वो फिन्स लगा हुआ जो जाली जैसा दिख रहा है उसको फिन्स बोला जाता है। और ये फैन है, ठीक है, कूलिंग टावर का ये फैन है। ये जब चलता है तो इसका जो अंदर का जो भाप रहता है पानी का, उसको टान के वो बाहर की ओर फेंक देता है, ठीक है। इसका ब्लेड को डिग्री में सेट करना पड़ता है और इसका ड्राइव शाफ्ट है उसका मैं दिखाऊंगा, उसमें आपको अलाइनमेंट करना पड़ता है उसका। तो इसका एंगल कैसे चेक करते हैं वो बताते हैं, और कितना डिग्री में रखना पड़ता है। कूलिंग टावर का जो ब्लेड है उसको 10 डिग्री प्लस में रखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। माइनस में अगर सेट कर दीजिएगा आप लोग तो हवा नीचे का ओर जाएगा और आपका पानी ठंडा नहीं होगा। तो इसको कभी भी प्लस में सेट करना पड़ता है और 10 डिग्री में होता है, वो मैनुअल में दिया रहता है, ठीक है। 10 डिग्री 8 डिग्री उसका हिसाब से सेट करना पड़ता है, बट प्लस में करना है। प्लस में नहीं कीजिएगा तो हवा बाहर की ओर नहीं फेंकेगा और आपका पानी भी ठंडा नहीं होगा। तो कैसे सेट करते हैं मैं बताता हूँ। तो देखिए, इसको एंगल प्रोटेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो हमको हाथ में दो। देखिए, इसको एंगल प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एंगल प्रोटेक्टर है, इसको 10 डिग्री में रखना पड़ता है। कैसे सेट करते हैं, पहले ब्लेड में एक मार्क कर लीजिए। देखिए, आपको लाइनिंग दिख रहा होगा, ऐसे ब्लेड में एक मार्क कर लेना है 100 mm में। ब्लेड का एंड से 100 mm में एक मार्क कर लेना है और जस्ट उस मार्क में राइट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में नहीं लगाना है क्योंकि उधर डाउन ज़्यादा है, तो राइट साइड में जो मार्क का राइट साइड है वहाँ पे इसको बैठाना है आपको, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से बैठाना है। देखिए, आप लोगों को 10 डिग्री प्लस में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह पहले दागी कर लीजिए ब्लेड में, उसके बाद डाल के इसको 10 डिग्री में सेट करना है। देखिए, इस साइड में प्लस आता है, ठीक है। इस साइड का जो भी रीडिंग आएगा वो प्लस आएगा, इस साइड का जो भी रीडिंग आएगा वो माइनस आएगा, ठीक है। तो ब्लेड में पहले 100 mm में यहाँ से 100 मेजर कर लीजिए और इसमें एक मार्क कर लीजिए ब्लेड में। देखिए, ब्लेड है, क्लेम किया हुआ है, तो इस ब्लेड में पहले 100 mm मार्क कर लीजिए। उसके बाद राइट साइड का टॉप में, इस एंड में आपको बैठाना है एंगल प्रोटेक्टर को, ठीक है। इस तरह से बैठाना है, देखिए बैठाइएगा, 10 डिग्री में आप लोगों को दिखता होगा। देखिए, 10 डिग्री प्लस। अगर इस साइड में लेके जाइएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए, इस साइड में बैठा रहा हूँ, देखिए 20 चल जा रहा, लेकिन ये मेजर नहीं होता है कभी भी लेफ्ट साइड से। जो प्लेट का सीधा प्लेन सरफेस रहता है उसी में बैठाया जाता है। तो प्लेन सरफेस इस जगह में है, यहाँ पे हम लोग डाल कर इसे चेक करेंगे। देखिए, ठीक है मैं बेटा, देखिए पूरा 10 डिग्री में सेट किया हुआ, एकदम इक्वल, ठीक है। सारा ब्लेड 10 डिग्री में होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मिसबैलेंस होगा और वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सारा ब्लेड को एक एक करके, जितना भी ब्लेड है देख रहे हैं हम लोग, जितना भी ब्लेड है सबको एक एक करके जितना है सबका डिग्री चेक करना है। सब टोटल प्लस में होना चाहिए, प्लस 10 में, 11 में नहीं चलेगा, 8 में नहीं चलेगा। अगर एक भी आपने गलत डाला तो मिसबैलेंस हो जाएगा और आपका वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा कूलिंग टावर का फैन जो है, ठीक है। देखिए, क्लैंपिंग किया हुआ है, बीच में इम्पेलर है उसमें क्लैंपिंग किया हुआ सारा ब्लेड। तो सारा ब्लेड को 10 डिग्री प्लस में सेट करना पड़ता है, तभी हवा बाहर की ओर फेंकेगा, ठीक है। और मैं अभी ड्राइव शाफ्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसका बारे में तो जान गए होंगे, इसको एंकल प्रोटेक्टर बोलते हैं। अगर इसका बारे में और जानना है तो इसका दूसरा वीडियो मैंने बना के रखा है, इसको देख लीजिएगा कैसे देखा जाता है। इस साइड में प्लस रहता है और इस साइड में जितने भी होते हैं वो माइनस होते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो हम लोग को प्लस 10 डिग्री यहाँ पर सेट करना पड़ता है, यहाँ का मैनुअल का हिसाब से, ठीक है। कहीं का भी कूलिंग टावर हो आपको प्लस में ही सेट करना होगा, क्योंकि हवा बाहर की ओर फेंकना है, ठीक है। अगर माइनस में कर दीजिएगा तो हवा नीचे की ओर फेंकेगा, फिर आपका पानी ठंडा नहीं होगा, ठीक है। मैं ड्राइव शाफ्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि वो ड्राइव शाफ्ट है, ठीक है। देखिए, ये ड्राइव शाफ्ट है, ये ड्राइव शाफ्ट है दोस्तों। पिन बूस्ट कपलिंग लगा हुआ देख रहे हैं, ठीक है। और इसको वायर से, पिन वायर से अलाइनमेंट किया जाता है इसका, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये ड्राइव शाफ्ट है इसका, और लुब्रिकेशन भी मैं दिखा दे रहा हूँ।
इस तरह से लुब्रिकेशन ऑयल चेक करना पड़ता है, स्टिक रहता है, ठीक है, स्टिक से निकाल के देखिए, ठीक है, स्टिक में एरो मार्क दिखेगा, देखिए एरो मार्क, ठीक है, इसका हाफ होना चाहिए गियर बॉक्स में ऑयल, तो दो दागी में हम लोग का ऑयल है, मतलब ऑयल लेवल ठीक है इसका, तो ऑयल लेवल भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि गियर से ऑपरेट हो रहा है, मोटर मोटर ड्राइव दे रहा है गियर को, और गियर से आरपीएम थोड़ा सा कम होता है, और उसके बाद कूलिंग टावर का फैन जो है वो घूमता है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये फैन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई चीज़ के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।